खेलकर आ रहा था, मैं आपको बता रहा था, हो सके बिजली उन्होंने बंद कर दियो, नेट सोशल मीडिया बंद, पाकिस्तान को सेल आउट करने लगे। सही बात है, क्या पता चलता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, दो तीन दिन पहले आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में बिजली नहीं थी, तो उसी पर वर्ल्ड अफेयर्स के प्रशांत जी का वीडियो है कि वो बिजली क्यों चली गई थी और उसको सॉल्व करने के लिए क्या पाकिस्तान कर सकता है, ऐसा कुछ वीडियो में इन्फॉर्मेशन होगी। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया में आज का समय आप अगर देखो तो एक टॉपिक एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है, वो है पाकिस्तान का मेजर एनर्जी ब्लैकआउट। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस मीडिया सीएनएन का आर्टिकल है कि नियरली 220 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान विदाउट पावर। जी हाँ, पाकिस्तान में करोड़ों लोग बिना पावर के थे। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि पावर रिस्टोर हो चुकी है नहीं हो चुकी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ कहा था कि आज रात 10 बजे पावर वापस ले आएंगे, गॉड नोज अभी वापस आई है नहीं आई। बट पूरी दुनिया ये बात देखकर शॉक्ड है कि पाकिस्तान ने हैट्रिक कैसे करी। आई मीन क्रिकेट वगैरह में इनके फास्ट बॉलर अच्छे निकलते हैं, बट मेजर पावर कट की हैट्रिक ना इतिहास में, हाँ इतिहास में किसी भी कंट्री ने नहीं करी होगी। तो आप कहोगे मेजर पावर कट की हैट्रिक क्या होती है, एक बार ना ये लिस्ट देखो ना, आपको समझना होगा कि दुनिया भर में वैसे पावर कट होते हैं। आप विकसित से विकसित देश में चले जाओ, देखिए मैन मेड चीज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, एक दो घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई, या फिर चलो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपकी तो एक जो पूरी स्टेट है कंट्री की वहां पर पावर चली गई कुछ घंटों के लिए। मगर बड़ा रेयरली देखा जाता है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी बिना पावर की हो। अब पाकिस्तान ने यह कारनामा 3 बार करके दिखाया है। पहले जनवरी 2021 में इनका पावर आउटेज हुआ था, रिलेटिवली छोटा था मगर उसको हम काउंट करेंगे। फिर सितंबर 2022 में हुआ, अब जनवरी 2023 में, मतलब हर साल आप कह लो अब एक रेगुलर इनकिया अक्रेंस हो रही है। और ये देखो मेजर पावर आउटेज, ये आपको ज्यादातर उन कंट्रीज में मिलेंगे जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होते, जहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका का केस देखो, अगस्त 2022 में यहां पर भी हुआ था मैसिव पावर ब्लैकआउट। उसके पहले वेनेजुएला, इंडोनेशिया, मैं कहूंगा थोड़ा स्टेबल हो चुका है, बीच में काफी प्रॉब्लम आई थी यहाँ पर। फिर आज से 11 साल पहले जाओगे आप तो इंडिया का भी नंबर आपको मिलेगा, जुलाई 2012 में इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट आपके लिए आधी से ज्यादा जो हमारी आबादी है ये अंधकार में चली गई थी। जो देश का नॉर्दर्न ग्रिड है वहां पर आ गई थी प्रॉब्लम और इसकी वजह से देश का नाम भी काफी खराब हुआ। तब से लेकर अब तक आप देखो तो भारत ने नेशनल ग्रिड एस्टेब्लिश किया है और अब हमारे यहाँ ऐसा ब्लैकआउट होने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, किसी शहर में कोई साइबर अटैक वगैरह हो जाए जैसे कि मुंबई में हुआ था 2020 में, वो अलग बात है, मगर आधी आबादी हमारी अंधकार में नहीं जाएगी। मगर पाकिस्तान में ये रिसेंटली हुआ है। अब आप यहाँ पर कहोगे कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, 2023 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने के इतने साल बाद भी ये कैसे हो गया, समझाता हूँ आपको। देखिए पाकिस्तान में 60% ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल से, मतलब कि कोयला हो गया, इवन नेचुरल गैस से भी ये कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मगर ये सब परचेज करने के पैसे धीरे धीरे इनके पास कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान ने काफ़ी यूनिक स्टेप्स अपनाए इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के, मतलब के पैसे को बचाने के, जैसे कि जो शादियों के हॉल है ये काफ़ी जगह बंद कर दिए गए, रात को शादियां नहीं यहाँ पर हुआ करेगी। उसके अलावा जो मॉल्स हैं ये जल्दी बंद हो जाते हैं। फिर ये भी बताया गया कि इनके देश में बल्ब्स और फैंस की मैन्युफैक्चरिंग ये कम कर देंगे, क्योंकि जब बल्ब और फैन होंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी आप खर्चोगे कैसे। अब ये सब बातें तो ओपनली सबको बता थी, मगर पाकिस्तान के ऑफिशल्स ना एक और आप कह लीजिए ट्रिक यूज़ करते थे पैसे बचाने। ये लोग क्या करते थे कि सर्दियों के टाइम में ना जब पाकिस्तान के लोग सो रहे हैं, क्योंकि अगेन पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम जोन है, सिंगल टाइम जोन वाला कंट्री है, तो ये लोग क्या करते थे कि रात को पूरे पाकिस्तान में कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ कर देते थे, उससे इनके पैसे बच जाते थे। काफ़ी लंबे समय तक ये बार बार ऐसा करते गए, मगर बीच में क्या हो गया संडे की रात को कि इन्होंने पावर टर्न ऑफ करी, मगर जब टर्न ऑन करने का टाइम आया तब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ने हाथ खड़े कर दिए और पूरा देश अंधकार में चला गया। तो लिटरली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पैसे बचाते बचाते एक बहुत ही बड़े नेशनल पावर आउटेज की तरफ चला गया। यहाँ पे कोई साइबर अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ, ये बेसिकली आप कह लीजिए मनी सेविंग टैक्टिक था,
थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे बच गए। हालांकि आई मीन लोग कहने वाली बात है कि सरकार के टेम्परेली बहुत सारे पैसे बच गए, मगर इन दी एंड इकोनॉमी को लॉस होगा जब एक देश में इलेक्ट्रिसिटी ही प्रॉपरली अवेलेबल ना हो। आई मीन मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इनके यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये कैसे आगे बढ़ रही होगी। इनके यहाँ जो इवन खेती है, देखो फार्मिंग में भी आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सब चीजें ये लोग कैसे कर रहे होंगे ऊपर वाला जानता है। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुद से पूछना होगा कि इनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इतना जरा कमजोर कैसे है कि बस टर्न ऑन में ही पूरा ग्रिड इनका बैठ गया, जबकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसके बारे में अब कितने साल हो गए, आई थिंक 10 साल के ऊपर हो गए हम इसके बारे में लगातार सुन रहे हैं। इसमें बताया गया था कि चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेगा और इनकी जो ग्रिड है उसको और ज़रा अपग्रेड करेगा ताकि पूरे पाकिस्तान में पावर आ सके। उस वक्त इसकी आलोचना भी हुई थी कि चाइना बेसिकली जो कोल पावर प्लांट्स हैं वो बना रहा है पाकिस्तान में, इवन दो पाकिस्तान में बहुत सारा कोयला आपको मिलेगा नहीं। मगर हुआ यहाँ पर क्या है कि जो भी पावर प्लांट्स पाकिस्तान ने बनवाए हैं चाइनीज कंपनी से, चाइना से उधार लेकर, पहली बात तो लोन का इंटरेस्ट रेट इतना ज़रा था कि कई प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं मगर आगे बढ़ नहीं पा रहे। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर ये भी है कि चाइनीज मेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो क्वालिटी का होता है, मगर शॉकिंग बात यह है कि एक तरफ कंट्री के पास इतना पैसा भी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पर अपनी जनता को इलेक्ट्रिसिटी ये लोग प्रोवाइड कर पाए। इसी बीच आपको याद होगा पाकिस्तान की मिलिट्री ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपनी जनता से और बहुत सारा पैसा खींच कर अपना जो डिफेंस बजट है ये 11% और बढ़ा लिया था। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग थी और इस रैंकिंग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान आ चुका है रैंक 7 पर। जी हाँ, रैंक 7 पर रखा गया था पाकिस्तान को, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी बड़ी ब्रेव है, जब इनको ब्रह्मोस मारा जाता है तब ये पलट के जवाब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेन रीजन ये है कि इनकी आर्मी ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सिविलियंस को बंदी बना के रखा हुआ है। पाकिस्तान के लोग अपनी मर्जी से अपना पीएम नहीं चुन सकते, ये लोग अपनी मिलिट्री को ये भी नहीं कह सकते कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज बंद करो, रीजन में पीस की बात करो, अपना जो डिफेंस बजट है ये भी कम करो, आर्मी में करप्शन कम करो। तो आप कह लीजिए पाकिस्तान की आर्मी ने अपने कंट्री को हॉस्टेज बना रखा है, इसलिए आप सिर्फ इनकी मिलिट्री को देखो, इट इज क्वाइट पावरफुल। जबकि पाकिस्तान की जो पावर प्रॉब्लम्स है ना, इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, रीजन में ना पीसफुल तरीके से रहो। मैं आपको सोल्यूशन इसका बताता हूँ क्या है। आज के समय साउथ एशिया में हम लोग एनर्जी ट्रेड स्टार्ट कर चुके हैं, आपको पता है इसके बारे में, अडानी पावर आज के समय एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कई इंडियन कंपनीज हैं जो इन द फ्यूचर जो भी कंट्री है आसपास में जिसको पावर की आवश्यकता है उसको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी एक इंटरनेशनल ग्रिड से। और ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ एनर्जी एक्सपोर्ट ही करता है, काफ़ी बार हम एनर्जी परचेज भी करते हैं। फॉर एग्जांपल नेपाल ने काफ़ी बार इंडिया को एनर्जी बेच रखी है इन द पास्ट, और जब नेपाल में होती है पावर कम तब ये हमसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज भी कर लेते हैं। तो आप सोच कर देखो अगर पाकिस्तान की जनता अपनी आर्मी को अंडर कंट्रोल ले आती है उसके बाद रीजन में पीस होता है, हम लोग भी आपस में एनर्जी में ट्रेड कर सकते हैं, जो हॉस्टिलिटीज है खत्म हो सकती है। क्योंकि एशिया में तो मैं ये भी आपको बताऊं एक कॉन्सेप्ट चल रहा है आज के समय डिस्कस किया जा रहा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभी इस पर ऑफिशियल बातचीत हुई है मगर इसको लेकर जापान काफी एक्साइटेड है, ये है एशियन सुपर ग्रिड का कॉन्सेप्ट। इसके अंडर सारे जो एशिया के मेजर कंट्रीज है ना सबको हम एक ग्रिड से जोड़ देंगे, कहीं पावर कट होगा ही नहीं, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कम है वो कंट्री परचेज कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, जब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है ज्यादा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भविष्य है, पीएम मोदी ने जो कहा था ना वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, ये आज से कई साल बाद होगा। अब हालांकि पूरी दुनिया की ग्रिड का तो मुझे पता नहीं वो कब तक बन पाएगी, मगर एशियन सुपर ग्रिड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर जापान काफी एक्साइटेड है, और चाइना इसमें पार्टिसिपेट करे ना करे जापान ये चाहता है कि जो आसियान कंट्रीज हैं इनके साथ मिलकर इंडिया के साथ तो एटलीस्ट एक एशियन सुपर ग्रिड ये बना दे। तो अब पाकिस्तान के ऊपर है कि 2024 में भी ये आगे जो आप कह लीजिए परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर रीजन में पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। द चॉइस इज, चलो एक लिहाज से मान भी लो कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए जो है ये सारा काम किए, बट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या लेवल है या वो किस तरह से अपडेटेड है या नहीं है, आपको ये चीजों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अब कल अगर एक प्रॉब्लम हुई है उसको रिजोल्व करने में 15 घंटे लगे हैं और पूरा पाकिस्तान जो है वो एक तरह से देखा जाए तो मतलब जिस तरह से
पावर आउटेज तो थी, लेकिन जिस तरह से मैप में दिखाया जाता है कि एक आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है पूरे मुल्क में. सो आई मीन ये इतनी एम्बैरेसिंग फीलिंग है और आपको इतना बुरा लगता है ये सोचकर कि आज के टाइम में अगर हम लोग देखें लिस्ट में भी देखें तो श्रीलंका जो कि बैंकक्रप्ट हो चुका हुआ है वहां पर एक मरतबा ये इशू उनको देखना पड़ा. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो. क्या कहे ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ध्यान देते ही नहीं, मिलिट्री को पावरफुल बनाने में लगे हुए, क्योंकि उस पे से आर्मी चीफ और आर्मी के कई अफसर्स को भी करप्शन करना होता है. तो उसका डिफेंस का बजट तो बढ़ाएंगे लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेसेसरी चीज़ है उसमें तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो जब भी डिफॉल्ट होगा तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो जिसके पास नहीं है वो तो पाकिस्तान में रह के ये सब उनको सहना पड़ेगा. और देखिए ये हमारे यहाँ भी 2012 में हुआ था, लेकिन हमने उससे सीख कर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि अब वो ना होने के बराबर है. लेकिन इन लोगों के पास तो इतनी समझ नहीं है, ये तो मुझे नहीं लगता है इस पर कोई काम करने वाले हैं पाकिस्तान, क्योंकि अभी तो इनके पास पैसा भी नहीं. जब पैसा था तब नहीं किया तो अब तो क्या करेंगे. और ये बिजली बंद करने का मुझे कुछ लॉजिक समझ, अगर बिजली बंद रहेगी तो सब कारोबार बिजनेसेस भी बंद रहेंगे, तो उससे गवर्नमेंट का भी नुकसान है क्योंकि जो रेवेन्यू आना था वो नहीं आएगा. और जहाँ तक चीन से दोस्ती, वो तो सिर्फ लूट रहा है और अपनी फायदे की काम कर रहा है चीन, तो पाकिस्तान से उनको कोई मतलब नहीं, जहाँ पे चीन का फायदा है वही कर रहा है. तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए.